जी क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स के। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम किसी भी यूनिफाइड प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यूनिफाइड प्रोसेस हमने पढ़ा था, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, कि उसमें हमारे पास जो है हम स्टार्ट से लेकर एंड तक किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो जब हम यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बात करें, तो उसमें हम रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से स्पेसिफाई कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू FURPS मॉडल। FURPS मॉडल क्या है? सबसे पहले F स्टैंड फॉर फंक्शनल फीचर्स, मीन्स आप जो रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके फंक्शनल फीचर्स बताएं, कैपेबिलिटीज बताएं और सिक्योरिटी बताएं कि हाउ यू कैन सिक्योर द सिस्टम। मीन्स उसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लेवल्स आप डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम स्टूडेंट कह रहे हैं तो स्टूडेंट क्या क्या, अगर स्टूडेंट है एक यूजर, क्लास ऑफ यूजर, सो स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है अगर लॉग इन करने के बाद, एक एडमिन क्या कर सकता है, टीचर क्या कर सकता है, तो हाउ यू कैन क्रिएट अ सिक्योर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या काम वो कर सकती है, कैपेबिलिटीज क्या क्या होंगी और सिक्योरिटी आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट यू स्टैंड फॉर यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में आपके ह्यूमन फैक्टर्स आएंगे, आपका HCI क्या होना चाहिए, कंप्यूटर से ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्ट कैसे करेंगे, आपका यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, हाउ यू कैन प्रोवाइड हेल्प टू द यूजर। कोई हेल्प डेस्क है, यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इस तरीके का आपके पास कोई गाइडेंस टीम है जो उनको हेल्प आउट कर सके। एंड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर मैनुअल्स भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपके पास हेल्प में जो है आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी दे रहे हैं किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज करना है, अगर कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रबल शूटिंग आप कैसे कर सकते हैं। देन आर रिलायबिलिटी, जो आपने एप्लीकेशन डिजाइन की है वो कितनी रिलायबल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर क्या है आपके पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब चांसेस ऑफ एरर्स कितने हैं, अगर फेलियर हो जाता है आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है तो कितने टाइम तक क्रैश रहेगी, कितने टाइम तक डाउन रहेगी और कितनी जल्दी रिकवर हो सकती है, रिकवरेबिलिटी के पैरामीटर्स क्या क्या है और प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है, मतलब आपके पास कितनी प्रेडिक्टेबल है। आप प्रेडिक्टेबिलिटी बता सकते हैं कि आप अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे तो आपकी सिस्टम स्लो हो जाएगा या उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी या मेच्योर होगी, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे होगी। तो ये सारे पैरामीटर्स रिलायबिलिटी की टर्म्स में आप बता रहे होंगे। परफॉर्मेंस आपकी क्या होगी सिस्टम की, परफॉर्मेंस में रिस्पॉन्स टाइम, कितनी जल्दी जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, कोई किसी बटन को क्लिक करें, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें, तो आपका सिस्टम कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड दे रहा है। थ्रूपुट, एक अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। लेट से आपके पास एक एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रही हूँ, आप भी यूज कर रहे हैं, तो वो सबको किस तरीके से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, कितनी ट्रांजेक्शन, एक अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी यूजर की ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है। एक्यूरेसी कितनी है, कितनी एक्यूरेट काम कर रही है। एफिशिएंसी कितनी है। अवेलेबिलिटी, 24/7 एप्लीकेशन अवेलेबल है या नहीं है। एंड रिसोर्स यूजेज, कितनी ज्यादा रिसोर्सेज एट अ टाइम यूज कर सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रही हैं तो आपके सिस्टम का जो है वो परफॉर्मेंस स्लो होती जा रही है, और उसका रिस्पॉन्ड टाइम क्या है, तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस के अंदर आ रही होती हैं। सपोर्टेबिलिटी, सपोर्टेबिलिटी में हमारे पास क्या चीज आती है, अडॉप्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इंटरनेशनलाइजेशन एंड कॉन्फिगरेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी मीन्स कि कोई आपने नया फीचर ऐड करना है, कोई नई थर्ड पार्टी टूल यूज करना है, कोई API यूज करनी है, तो वो कितनी जल्दी अडॉप्टेबल है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है, आपने किस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई नई चीजें ऐड ऑन आप करना चाहें, मेंटेन करना चाहें, नया फीचर ऐड ऑन करना चाहें, एग्जिस्टिंग फीचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको करेक्ट करना चाहें, तो कितनी जल्दी वो चीजें आपका एप्लीकेशन आपको सपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनलाइजेशन में हमारे पास ये चीजें आती हैं कि अगर हमारे पास हमने इसको आउटसोर्स करना है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए हमने कुछ डिफरेंट लैंग्वेज का सूट तैयार किया या नहीं किया। इसमें हमारे पास ग्लोबलाइजेशन वगैरह के टूल्स होते हैं, हमने एक लैंग्वेज में
डिजाइन किया है और उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म कर, जैसे गूगल है, गूगल में हम जाके वहाँ पे एक सेटिंग हमारे पास होती है लैंग्वेज का, तो हम उस लैंग्वेज के इंटरफेस पे क्लिक करते हैं, लेट्स से चाइनीज, तो वो पूरा इंटरफेस चाइनीज का हो जाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये हर लैंग्वेज में डिजाइन हुआ होगा? ऐसा नहीं होता है, एक ही लैंग्वेज में आप सिस्टम डिजाइन करते हैं और उसके बाद फिर आपके पास क्या होता है, उसके कन्वर्जन टूल्स होते हैं कि आप उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन उसको कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता कि अगर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हमारे पास जितनी लैंग्वेजेस हैं हर लैंग्वेज में हम उसको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करें और फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म इजी हो। कॉन्फिगरेबिलिटी, कोई नई चीज ऐड करनी हो, नया हार्डवेयर ऐड ऑन करना हो, नया फीचर ऐड ऑन करना हो, कोई थर्ड पार्टी टूल ऐड करना हो, तो आप उसको कॉन्फिगर कर सकें, कॉन्फिगरेशन आसान हो उसकी। कोई नई चीज इंटीग्रेशन करनी हो तो वो कॉन्फिगरेशन इंटीग्रेशन आसान हो। तो ये सारी चीजें सपोर्टेबिलिटी में आती है। तो जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें ये वाली टर्म्स में आप ये रिक्वायरमेंट भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स फर्दर, द प्लस इन FURPS इंडिकेट्स एंसिलरी एंड सब फैक्टर्स सच एज इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस, ऑपरेशन, पैकेजिंग एंड लीगल। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा? रिसोर्स लिमिटेशन, लैंग्वेजेस एंड टूल्स, हार्डवेयर, मीन्स जब आप इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस की सपोर्ट आप दे रहे हैं, टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं उस एप्लीकेशन में, हार्डवेयर कौन कौन से यूज हो रहा है। इंटरफेस में क्या आएगा कि इंटरफेस कोई अगर और सिस्टम से इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए क्या इंटरफेस होगा, कोई थर्ड पार्टी टूल आपने यूज करना है तो उसको जाके आप कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, सिस्टम का इंटरफेस कैसा होना चाहिए, जिस यूजर के लिए, क्लासेस ऑफ यूजर के लिए बना रहे हैं उनको माइंड में रखते हुए आप इंटरफेस डिजाइन करें। अगर नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं तो आपका इंटरफेस क्या होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। ऑपरेशंस, सिस्टम मैनेजमेंट एंड इट्स ऑपरेशनल सेटिंग, सिस्टम्स की आप मैनेजमेंट कैसे करें, क्या क्या सेटिंग्स हैं, ठीक है, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन को। पैकेजिंग में, लेट्स से अगर आपने उसको पैकेजिंग कैसे करनी है, यूजर के हैंड ओवर करना है तो किस तरीके से करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल बॉक्स, बॉक्स किस तरीके का होगा, उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, केयरिंग कैसे करनी है। एंड लीगल में आपके पास लाइसेंसिंग आ रही होगी कि लाइसेंस कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने किस तरीके से सोल्ड आउट करनी है, लाइसेंस किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये FURPS प्लस, तो प्लस में ये सारी चीजें होंगी। सो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स कोई भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि क्या चीज कैसी होनी चाहिए। जी वसीम, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अभी इससे पहले जो स्टार्ट के जो दो लेक्चर्स हैं वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, अभी आज की क्लास की। जी वसीम मैम, लास्ट स्लाइड खोलिएगा, 59 वाला। ओके जी मैम, ये जो हमारे पास रिलायबिलिटी और ये जो परफॉर्मेंस, जो मेन चीज परफॉर्मेंस है, ये हम कोई भी सिस्टम बनाने से पहले कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अच्छा, परफॉर्मेंस हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिस्पॉन्ड टाइम क्या होगा, क्योंकि आपको यूजर्स तो पता होंगे कि हमारे पास कितने यूजर्स हैं। अगर लेट से आप किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे हैं सिस्टम, तो आप अप्रोक्सीमेटली पूछेंगे कि कितने यूजर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या लैब का स्केड्यूलिंग है या अटेंडेंस मार्क करनी है तो क्लास टाइमिंग क्या है, सारे टीचर एट अ टाइम अटेंडेंस मार्क करेंगे, या जैसे यूजली तब ऐसा होता है जो हमारी इंटर और मैट्रिक का जो हम रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो जो रिजल्ट वैसे पूरे साल उस वेबसाइट पे कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, अब जब रिजल्ट आता है तो उस पर इतना ट्रैफिक होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन ही क्रैश होती है, ऐसा होता है यूजली। इस प्रॉब्लम को हम सबने फेस किया है, तो ये चीजें हम पहले से डिटरमाइन कर लेंगे कितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, ताकि उनको ही माइंड में रखते हुए जब हम एनालिसिस और डिजाइन करें तो अपने सिस्टम का डिजाइन इस तरीके से करें और परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हम पहले से मेंशन करें। SRS में हम ये चीज पहले से बता सकें कि हमारे पास कौन से फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल फीचर्स हैं, ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, अगर बार बार आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है तो क्रैश होने के क्या रीजन है। तो आप उसी तरीके से सिस्टम को ऐसा डिजाइन करें और कोडिंग इस तरीके से करें कि आपका कोड फटे नहीं। सो हर चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल कोडिंग पे आने से पहले हम बहुत सारी चीजों को पहले से ही मेजर करके इनकाउंटर कर सकें, ताकि जब हम कोड करने पे आए तो कोड आसान हो और एट द एंड जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बने वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो। रिस्पॉन्स टाइम हमें कितना चाहिए, 24/7 हमारे पास सिस्टम अवेलेबल, जैसे हमारा LMS था पहले 24/7 हमारे पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, उसका टाइम होता था कि वो हमारे पास भी ये होता था कि रिजल्ट अगर सबमिट करना है तो रात 12 बजे से पहले पहले करना है, वरना लॉक हो जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, कोई चीज अपलोड करनी है तो 12 बजे से पहले कर दे, 12 बजे के बाद सिस्टम नहीं चल रहा था।
ठीक है, तो दैट वॉज इट परफॉर्मेंस, कि उसका जो है वो अवेलेबिलिटी कितनी थी, 24/7 अवेलेबल नहीं था। पहले कितना चलता था हमारे पास, 18 आवर्स, 16 आवर्स ऐसे चलता था, लेकिन जब यूजेज बढ़ा तो फिर उन्होंने क्या किया, उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ा दी। तो हम ये चीजें पहले से डिटरमाइन कर लें कि हम जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी कितनी चाहिए, आपका पीक टाइम क्या होगा, किस टाइम पे ज्यादा बर्डन होने का सिस्टम पे चांसेस है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली चीजों को डिजाइन करें, सो दैट जो पीक मैम टाइम हो, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट्स है ना, तो हम रिक्वायरमेंट्स में ये सब चीजें भी पहले से मेंशन करें। मैम जैसे अगर नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें, बिल फर्द अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में यूजर्स हैं, लेकिन तो हम उस लिहाज से कोडिंग का उसके क्या कर लेंगे, वो तो फिर बैंडविड्थ में आ जाती है ना ये सारी चीजें, तो कोडिंग तो में तो ये कोई इशू सारी नहीं चीजें होता। रिक्वायरमेंट्स है ना, रिक्वायरमेंट्स में हम सारी चीजें ओके डिफाइन करेंगे कि डिजाइन में जब नेटवर्क हमें चाहिए तो नेटवर्क क्या है, जब हम कोड करेंगे, कोड करने के बाद हम फिर नेटवर्किंग पे आएंगे कि हमें कौन यस सी मैम आईपी चाहिए, क्या सब चीजें चाहिए, तो ये सब चीजें हम एनालिसिस में ही पहले से लिस्ट डाउन कर लें, क्योंकि हम तो एट द एंड सही सिस्टम बना के दे रहे हैं यूजर को। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम जब सिस्टम को रख लें ऑपरेशनल एनवायरमेंट पर, हम वेट करें, ठीक है जब हमें यूजर एरर बताएगा हम तब अपडेट करेंगे, उससे पहले बेटर ये नहीं है कि हम एनालिसिस में ये सारी चीजें लिस्ट डाउन कर लें कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही हम सिस्टम को डेवलप करें, जो हमें नेटवर्क चाहिए उसी नेटवर्क की, जो हमें बैंडविड्थ जितनी चाहिए, जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, हम उससे पहले से ही कॉन्टेक्ट कर लें कि हमें ये सब चीजें इतनी इतनी चाहिए, अगर क्लाउड पे चलाना है तो क्लाउड की हमें क्या रिसोर्स चाहिए, कितनी चाहिए, तो वो सब चीजें हम पहले से ही रिक्वायरमेंट्स में लिस्ट डाउन कर लें, डॉक्यूमेंट कर लें, ताकि जब हम डिजाइन करने पे आए, इम्प्लीमेंटेशन करने पे आए, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, पहले से डॉक्यूमेंट हो और हम उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि हैपहैज़र्ड वे में हम फंक्शंस पे ही फोकस कर रहे हो, अब वो फंक्शंस तो हमने बना लिए उस एप्लीकेशन के, वो एप्लीकेशन के सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, 100% स्कोप जो है वो कवर हो रहा है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ, बना लिया लेकिन यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, यूजर उसको यूज ही नहीं कर रहा, उसको एक्सेस करना ही नहीं आ रहा, आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस रखा है मेन्यूज के अंदर, मेन्यूज और वो समझ भी नहीं आ रहे, तो ये सब चीजें हम पहले से ही डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हमने यूजर कौन कौन यूज करेंगे उनको माइंड में रख के इंटरफेस बनाना है, कलर स्कीम क्या यूज करनी है, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको ओल्ड यूजर्स भी यूज कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस का कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है हमें कौन से कलर्स कहाँ यूज करने चाहिए, कौन से कलर कहाँ यूज नहीं करने चाहिए, अगर किड्स के लिए कोई हम ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज करने चाहिए, क्या कलर थीम होनी चाहिए, सो पहले से हम ये सारी चीजें माइंड में यूज कर रहे होते हैं कि यूजर्स को देखते हुए रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एप्लीकेशन कितने घंटे कितने टाइम पे चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, रिलायबल कितनी है, फेलियर के चांसेस कब हैं, कब कब फेलियर के चांसेस हैं, जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो क्या फेल तो नहीं हो जाएगी, क्रैश तो नहीं हो जाएगी, अगर क्रैश हो जाती है तो फिर उसका उसको अप करने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितनी जल्दी रिकवर हो सकती है, रिकवर हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो ये सारी चीजें आप साथ साथ एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं और उसी के बेसिस में रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये प्लस वाला फीचर और फर्दर हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनमें हम जिनको हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं। अच्छा अब हम SRS देख लेते हैं। SRS की मैंने आपको क्या डेट दी है, 27, 26 सितंबर, यस 26 सितंबर, SRS ओपन कर रही हूँ मैं, इसको शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ये हमारे पास SRS है, टेम्पलेट है, ठीक है यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, जो आपने टाइटल आपके प्रोजेक्ट का है वो, जिस आपके ग्रुप मेंबर्स का नेम, ठीक है, और डेट आ जाएगी यहाँ पे, देन वी हैव टेबल ऑफ कंटेंट्स, कोशिश ही कीजिएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स एज इट इज ही रखें, इसमें कोई चीजें आप फर्दर ऐड कर लें लेकिन एग्जिस्टिंग में से कोई चीजें स्किप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, रिविजन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन का हमारे पास चैप्टर 1 है। इसमें हमारे पास क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले पर्पस आएगा, जिसमें हम पर्पस बता रहे होंगे कि हमारे पास देखें ये सब चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। आप वहाँ जो जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप पर्पस की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे कि आप इस SRS में क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं। Identify the product whose software requirements are specified in this document, including the revision or release number. Describe the scope of the product that is covered by this SRS. यानि कि इस purpose में actually आप अपने software का scope बता रहे होंगे। Let's say अगर किसी का learning management system है तो आप उसका scope बताएंगे कि हम ये इसलिए बनाने जा रहे हैं कि अब हर चीज जो है वो online हो रही है, students को facilitate करने के लिए, teacher को facilitate करने के लिए, कि हम online services provide करें कि वो अपने assignment, quizzes, each and everything online, जो आपका main scope है, जो आपके system है। अच्छा LMS में तो बहुत सारी चीजें होंगी, आप जिन चीजों पे focus कर रहे हैं उनको आप कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे list down करें। तो basically आपका scope यहाँ पे आएगा। Document convention में आपके पास क्या आएगा, आप बताएंगे एनी स्टैंडर्ड्स और टिपिकल कन्फ्यूजन दैट वर फॉलोड व्हेन राइटिंग दिस SRS। SRS को लिखते हुए कोई चीजें आपके माइंड में है, लेट्स से आपका फॉन्ट स्टाइल क्या है, जैसे हेडिंग आपने क्या रखी है, अगर ये कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स न्यू रोमन है 18, सब हेडिंग क्या है, टाइम्स न्यू रोमन 14, और जो आपका मेन हेडिंग है, जो मेन कंटेंट है, जो बॉडी है आपकी हेडिंग की, उसका साइज क्या है, वो सब चीजें आप डॉक्यूमेंट कन्वेंशन यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रीडर को एक आइडिया हो जाए जब वो इस डॉक्यूमेंट को रीड करे कि आपने किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट को डिजाइन किया है। मैम SRS के डॉक्यूमेंट की ना, जी जी, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो मेन डॉक्यूमेंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो है वो आप जो है सारे फॉन्ट्स और हाइलाइटिंग और ये सब चीजें बता सकते हैं, ठीक है। इंटेंडेड ऑडियंस एंड रीडिंग सजेशंस, इसके ये इस ड्रॉ को, ये जो SRS आप जनरेट कर रहे हैं, इसको कौन कौन जो है वो उसका ऑडियंस कौन होगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स होंगे, जैसे कि डेवलपर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, मार्केटिंग स्टाफ हो सकता है, यूजर्स इटसेल्फ हो सकते हैं, टेस्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन राइटर्स, जिसके लिए ये SRS मैंडेटरी होगी, जरूरी होगी, हेल्पफुल कर रही होगी उनके टास्क परफॉर्म करने के लिए। देन फिर हमारे पास स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी जिस सॉफ्टवेयर को आप डिजाइन करने जा रहे हैं, एंड विद इट्स पर्पस, कि आप क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है। तो यहाँ पे आपके पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम या जो जो सिस्टम आप डिजाइन करना चाह रहे हैं उससे पहले जो काम हो रहा था उसकी कुछ लिमिटेशंस आप लिस्ट डाउन करेंगे प्रोडक्ट स्कोप में। स्कोप में क्या चीज आएगी कि आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो आप क्यों, आपके माइंड में ये आइडिया आया, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, जैसे अगर ये इससे पहले काम मैनुअल हो रहा था तो मैनुअल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, और व्हाट आर द बिजनेस नीड्स, बिजनेस गोल्स क्या है ये सिस्टम डिजाइन करने के लिए, हम क्यों बना रहे हैं ये चीज। तो ये जो चीज हमने पर्पस में बता दिया ना, नहीं पर्पस में तो हम ये बताएंगे ना कि हम देखो पर्पस में तो स्कोप आएगा कि हम ये काम कर रहे हैं, ये फीचर्स हैं, ये पर्पस है, बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यहाँ पे आप कुछ लिमिटेशंस बताओगे प्रीवियस सिस्टम की, इंक्लूडिंग रेलेवेंट बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। वहां पे तो आप ये बताओगे ना कि हमें क्या करना है, पर्पस बताओगे कि LMS बना रहे हैं तो उसमें ये फीचर्स होंगे, अटेंडेंस ले सकता है, ये ले सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट स्कोप में जाके आप एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, उसका गोल और प्रीवियस सिस्टम की लिमिटेशन बताओगे कि व्हाई यू आर डेवलपिंग दिस सिस्टम। मैम यहाँ पे आप वर्ड बताओगे पर्पस में, व्हाट यू हैव टू डेवलप और डिजाइन, कि आप क्या क्या बना रहे हो, और यहाँ पे आप व्हाई बताओगे प्रोडक्ट स्कोप, कि हम क्यों बना रहे हैं ये चीजें, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम ये सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं, और इसको बनाने के बाद हमें ये बेनिफिट्स, ये ऑब्जेक्टिव्स, ये गोल्स होंगे, दीज आर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, और उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए हम क्या करें, हम डिजाइन करें कि हम ये एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, इस SRS को बनाने के लिए अगर आपने कहीं से कोई हेल्प ली है, ठीक है, कोई कंटेंट कहीं से लिया है, कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया है, तो आप उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे रेफरेंसेस के तौर पे। मैम अगर नहीं है तो टैग डाल दें, या अगर नहीं है तो ये हेडिंग हटा दें, लेकिन यूजुअली ऐसा हो नहीं सकता कि आप सारी की सारी चीजें खुद से लिखें। अच्छा, वहां पे जो है ना, वो जो हमारा चैप्टर 1 है,
यहाँ ये इतना डिटेल नहीं होगा, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जो है चीजों को डिटरमाइन कर रहे होंगे। तो सेकंड चैप्टर है ये, अब सिस्टम की एक्चुअल फंक्शंस आप यहाँ पे बताएंगे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या बताओगे? प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि जो आप SRS बना रहे हैं इसमें जो है आप सिंपल आप सिस्टम का जो है वो स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। जैसे हम सिस्टम की वर्क फ्लो डायग्राम क्या है, आप थोड़ी सी डेफिनेशन करके आप उसकी एक वर्क फ्लो डायग्राम दिखा दें। जैसे इंटरफेस के यूजर आया, उसने सिस्टम से कनेक्ट किया और किसी तरीके से अ सिंपल डायग्राम दैट शोज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, सब सिस्टम, इंटरकनेक्शंस एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस कैन बी हेल्पफुल। आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट दें प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन यूज कैसे होगी। लेट्स से LMS है तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन लॉगिन कर सकता है, स्टूडेंट, टीचर, और वो क्या क्या काम कर सकते हैं वो डिफाइन करते हैं। और फिर उसकी एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम, जैसे हम ये कहते हैं ना सिस्टम की, अगर आप वो यहाँ पे एड कर दें तो वो बहुत हेल्पफुल होगी। देन प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट के फंक्शन क्या होंगे, फीचर्स बुलेट में आप बता दें, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, लॉगिन रजिस्ट्रेशन होगी, फिर नेक्स्ट आपके पास कोर्स रजिस्ट्रेशन होगी, फिर थर्ड क्विजेज एंड असाइनमेंट, जो भी आपके जो है प्रोजेक्ट के जो मेन फंक्शंस हैं वो प्रोडक्ट फंक्शंस में लिस्ट डाउन होंगे बुलेट्स की फॉर्म में, जो मेजर फंक्शनैलिटी है। किसमें स्क्रीनशॉट लगाएंगे? बुलेट्स में मेंशन करने पड़ेंगे ना आपको फंक्शंस। अच्छा, और आपकी एप्लीकेशन के यूजर के क्लासेस क्या है, कौन कौन है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसको कौन कौन यूज कर सकता है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को में आपके पेशेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और कौन होगा आपका एडमिन स्टाफ होगा, डॉक्टर्स को अगर आप कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनके पास भी इंटरफेस होगा, या उनके पास सिर्फ एक मोबाइल नोटिफिकेशन आ जाएंगी या स्केड्यूल आ जाएगा मोबाइल में कि आपके इस दिन ये अपॉइंटमेंट्स हैं। तो जो जो यूज कर सकता है वो यूजर क्लासेस आप डिफाइन करेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो आपकी एप्लीकेशन में क्या यूज कर सकते हैं। फिर आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आप क्या चीज डिटरमाइन करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करेगा, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म क्या क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए जिसमें रन हो सकता है अगर कोई ऐसी लिमिटेशन है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो को कौन सा वर्जन चाहिए होगा, विजुअल स्टूडियो के साथ साथ कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन हो सकता है, मोबाइल इंटरफेस हो पे रन हो सकता है नहीं हो सकता, मोबाइल ऐप है अगर मोबाइल ऐप है तो मोबाइल का आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा, वो सारे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। Describe the environment in which the software will operate. Include the hardware platform. Hardware क्या चाहिए होगा आपको, कोई और जैसे अगर कोई बना रहा है बारकोड रीडर चाहिए आपको, हार्डवेयर क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर कोई आप टूल यूज कर रहे हैं तो उस टूल का वर्जन क्या होगा, प्रोटोटाइपिंग के लिए अगर आपने कोई टूल यूज किया तो उसका वर्जन क्या होगा। किस चीज के बेटा स्क्रीनशॉट लगाओगे प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में? यहाँ पे तो सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बनेगी। ब्लॉक डायग्राम का मतलब तो पता ही होगा ना, ब्लॉक डायग्राम क्या होती है पता है ना? ब्लॉक डायग्राम, यूजर आया, अब यूजर के एक पर्सन की एक पिक्चर डाल दो कोई भी, फिर वो यूजर से एक एरो बना दो, एरो से फिर एक बॉक्स बना दो जिसमें आपका सिस्टम है, उस पर लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद कोई ऑर्गेनाइज, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो एक हॉस्पिटल की पिक्चर लगा दो, यूजर आया हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद वहाँ एक और पर्सन है जो एडमिन स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट है, वो रिक्वायरमेंट ले रहा है, उसके बाद वो उसको अपॉइंट कर रहा है। अगर कोई LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यूनिवर्सिटी की पिक्चर आ जाएगी। सो अगर यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम भी लगा सकते हैं, पहले थोड़ी सी टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम के एक्चुअल प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव को देख के मुझे आइडिया हो जाए कि आपका सिस्टम क्या करेगा, ठीक है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या होंगे, ऑप्शन जो है वो डेवलपर्स के पास क्या क्या है, कोई रेगुलेटरी पॉलिसीज है, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कोई लॉ इन्फोर्स हो रहा है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, इस सिस्टम को यूज करने के लिए लैंग्वेज की कोई डिपेंडेंसी है, कम्युनिकेशन कौन सा यूज होगा, सिक्योरिटी कैसे होगी, तो अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो आप उसके कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सिस्टम के, कंस्ट्रेंट्स के मतलब होते हैं लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस आप अपने सिस्टम के यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है। पेमेंट क्राइटेरिया, लेट्स से कि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, सो पेमेंट थ्रू जो है वो आपके कार्ड के थ्रू हो सकती है, सो दैट इज अ डिजाइन कंस्ट्रेंट, कि अगर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो वो थ्रू कार्ड हो सकती है,
ठीक है, और उसके अलावा वो बाय क्रेडिट हो सकती है, पेपॉल के थ्रू हो सकती है. तो अगर कोई ऐसी लिमिटेशंस हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई लिमिटेशंस हैं, कोई टाइमिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है कि ये टाइमिंग है, इस टाइम तक सिस्टम अवेलेबल होगा. अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो अपॉइंटमेंट बुक करने का टाइमिंग ये है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या होगी इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए. तो जो भी कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशंस रिक्वायर्ड है वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे. और अगर कोई ऐसी पॉलिसी है विच शुड बी इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट या कोई लीगल पॉलिसी है तो वो भी सब चीजें आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे. ठीक है, और क्या क्या चीजें आप यूजर को प्रोवाइड करेंगे वो आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करें. लेट्स से SRS प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल होगा, ठीक है. यूजर डॉक्यूमेंटेशन में आप यूजर को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, कोई यूजर मैनुअल होगा, कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल होगा, कोई CD होगी जिसमें सारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे. ठीक है, इसके अलावा एजम्पशंस एंड डिपेंडेंसी, एजम्पशन एंड हमारे अभी ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ उस लिहाज से बनाया जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. यूजर डॉक्यूमेंटेशन में आप एक चीज तो ये रखें कि आप जो है ये SRS डॉक्यूमेंट होगी आपकी, यूज केस डायग्राम्स होंगी, ठीक है, एनालिसिस एंड डायग्राम होगी, SRS होगा उसमें. और उसके अलावा हम और क्या चीजें रख सकते हैं, उसके अलावा स्कोर्स के हिसाब से हम रख सकते हैं एनालिसिस, क्लास डायग्राम, ठीक है. तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि UML डायग्राम्स, डिफरेंट UML डायग्राम्स, और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि यूजर मैनुअल्स, हम यूजर मैनुअल जनरेट करेंगे किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज करना है. तो ये आप लिस्ट डाउन ऐसे कर सकते हैं. एजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज में क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया इन द विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट और द प्रोजेक्ट प्लान. List any assumed factors or as opposed to known facts that could affect the requirements stated in the SRS. This could include third party or commercial components that you plan to use, issues around the development or operating environment or constraints. यहाँ पे ये कि क्या कोई आपके पास limitation या dependency है, कोई ऐसी चीज कि आप Visual Studio पे काम कर रहे हैं और आपने कोई API use करनी है, configuration करनी है, तो आपकी क्या assumptions हैं, कोई आप open source कोई एक feature use करना चाहें, कोई module use करना चाहें, तो उसकी क्या कोई dependency आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही. It again depends on your project, आपके project की nature क्या है, और उसके लिए आप सारी चीजें scratch से कर रहे हैं या जो hardware या software चाहिए, कोई third party, कोई middleware आपको चाहिए support के लिए, तो वो चीजें आप यहाँ पे mention करेंगे. एक्सटर्नल इंटरफेसेस रिक्वायरमेंट्स में यूजर इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस में कोई GUI बना के दिखा सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कि यूजर कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे आपका सिस्टम का जो है वो वर्क फ्लो डायग्राम, फर्स्ट पेज लॉगिन पेज होगा, आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन नेक्स्ट पेज क्या होगा, मेन्यू आ जाएगा जैसे ATM वाला था, अगर वो विड्रॉ पे क्लिक करेगा तो उस पर अमाउंट आ जाएंगे कि कितना अमाउंट या अदर अमाउंट. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप यूजर इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं. GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस. मैम अगर किसी का प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, स्ट्रेस से बना रहा है, तो वो कैसे देगा? हाँ, इस पे आप ये कर सकते हैं, यूजर इंटरफेसेस पे हम ये काम कर सकते हैं कि हम इस SRS को थोड़ा सा आगे कर दें, ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन 1 वीक या 2 वीक आगे करते हैं, और नेक्स्ट वीक में आप जो है वो प्रोटोटाइपिंग करके दिखा दें जिससे आपकी रिक्वायरमेंट्स और क्लियर हो जाएंगे. प्रोटोटाइपिंग आप कैसे करेंगे, लेट से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कोई भी ऑनलाइन टूल यूज करते हुए सिर्फ फ्रंट एंड जनरेट करके दिखा दें कि फर्स्ट स्क्रीन ऐसी होगी, सेकंड स्क्रीन यहाँ ऐसे होगी, इस पे ये बटन होगा, इस पे क्लिक करने पर यूजर यहाँ नेविगेट होगा. तो आप एक पूरी प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करते हुए पूरे सिस्टम की प्रोटोटाइपिंग कर लें.
ठीक है, तो आप इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं कोई भी टूल यूज करें प्रोटोटाइपिंग का, और प्रोटोटाइपिंग का टूल यूज करते हुए आप यूजर इंटरफेस भी डिजाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यूजर इंटरफेसेस में हम प्रोटोटाइपिंग टूल यूज करने के बजाय आप यहाँ पे यूज केसेस डायग्राम डाल दें। हार्डवेयर इंटरफेसेस में क्या क्या चीजें होंगी, क्या हार्डवेयर की कोई कनेक्टिविटी आपने बतानी है, कोई सपोर्टेड डिवाइस है, कोई और डाटा चाहिए, सॉफ्टवेयर कोई और चाहिए, थर्ड पार्टी टूल वो अगर आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस में क्या क्या चीजें चाहिए, आपने कोई टूल्स यूज किए हैं, यूएमएल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने कोई टूल यूज किया है, स्टार यूएमएल यूज किया है, वो आप सब यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे कि वी हैव यूज दिस स्पेसिफिक टूल्स फॉर दिस टास्क। यूज केस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने ये टूल यूज किया है, कोडिंग करने के लिए वो जैसे जैसे हम आपने जो सोचा होगा आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। कोडिंग आप किस में करेंगे, विजुअल स्टूडियो में करेंगे तो वो यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे, कौन सा वर्जन है वो यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे। उसके अलावा आपने जो है नेटवर्किंग अगर यूज करनी है तो वो उसकी क्या आपके पास आईपीज वगैरह होंगी, वो सब चीजें आप यहाँ सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस में बताएंगे। और अगर कुछ हार्डवेयर आपने यूज किया है तो हार्डवेयर क्या है, कौन से उसके वेंडर्स क्या है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। कम्युनिकेशन इंटरफेसेस में आपके पास आएगा FTP, HTTP, ठीक है, आपने जो है वो वेब इंटरफेस क्या होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपकी जो जो चीजें होंगी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आप कौन कौन से यूज करेंगे, कौन सा नेटवर्क सर्वर रिक्वायर्ड होगा, आपकी एप्लीकेशन कौन से वेब ब्राउजर्स पे चलेगी, ब्राउजर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। फिर हमारे पास आएगा सिस्टम फीचर्स, ठीक है, लेट्स से फीचर वन क्या है, रजिस्ट्रेशन, उसके डिस्क्रिप्शन एंड प्रायोरिटी, स्टैमलेस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो सब चीजें आप इस तरीके से वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, रिक्वायरमेंट वन, रिक्वायरमेंट टू एंड सो ऑन। इसी तरह जितने भी फीचर्स हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सिस्टम फीचर्स वाला, हेडिंग नंबर 4, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 एंड सो ऑन विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद आपके पास अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आएंगी। अच्छा, अगर विंडोज फॉर्म है तो फिर नेटवर्क बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपको करनी है तो वो डेटाबेस आप बता सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस में कि विजुअल स्टूडियो है, SQL सर्वर, डेटाबेस के लिए आप कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन तो नहीं है उसके लिए, अगर लिमिटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में इशू है, कंपैटिबिलिटी का इशू है, तो उसके लिए फिर आप कोई और फर्दर कोई ऐड ऑन थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैम, ये जो कम्युनिकेशन इंटरफेस है ये समझ में नहीं आया, मतलब हम इसमें क्या बताएंगे? इसमें ये बताएंगे कि आपको जब एप्लीकेशन चलेगी तो कहाँ चलेगी, अगर वेब बेस्ड इंटरफेस है तो आपको कौन से वेब ब्राउजर पे चलेगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलेगी, आपके पास जो है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे चलेगी। उसके अलावा आपके पास सर्वर अगर है तो HTTP सर्वर चाहिए होगा, FTP सर्वर पे चलेगी, कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन पैरामीटर है, आपको IP कौन सी चाहिए होगी, DHCP चाहिए होगा, होस्ट कंट्रोल चाहिए होगा, सर्वर क्लाउड, अगर क्लाउड पे है तो उसके लिए सर्वर क्या होगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे बताएंगे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, मतलब नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड क्या होनी चाहिए, वो सब चीजें आप यहाँ पे बताएंगे, इंटरनेट स्पीड कितनी चाहिए, बैंडविड्थ कितनी चाहिए, वेब ब्राउजर कौन सा चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। देन फिर आपके पास सिस्टम के फीचर्स होंगे, फीचर 1, ठीक है, फीचर 1 की हेडिंग होगी यहाँ पे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें आप हेडिंग्स को लिस्ट डाउन कर रहे होंगे, फिर उसकी रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3 एंड सो ऑन, जितनी रिक्वायरमेंट बन रही है, फिर फीचर 2 एंड सो ऑन, जितने की फीचर्स होंगे वो सारे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या चीज है, उस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट 1 क्या है, रिक्वायरमेंट 2 क्या है, जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं तो लॉग इन के लिए यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पहले रजिस्टर होना जरूरी है, रजिस्टर हो जाएगा तो फिर रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड ठीक नहीं है तो कैसे प्रॉम्प्ट करना चाहिए, सो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। फिर आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई, फिर अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में परफॉर्मेंस क्या चाहिए आपको, सेफ्टी कितनी चाहिए, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या क्या चाहिए, इनमें से कुछ होंगे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी होंगे, जैसे कि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई लर्निंग मैनेजमेंट या कोई ऐप है तो ऐप के लिए इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी, तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन में कि उनमें से कौन कौन सा फीचर जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक SRS का टेम्पलेट है, थोड़ी सी मेहनत आपने खुद भी कर लिया करें, ये टेम्पलेट भी अपलोड है, उसी SRS की मैपिंग है। आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डायनेमिक कॉमर्स कैटलिस्ट। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या चीज है? टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको कैसे फॉलो किया गया है, ये सारी वही चीज है। इंट्रोडक्शन आ गया, पर्पस आ गया, डेटा कॉमर्स कैटलिस्ट का पर्पस। डॉक्यूमेंट कन्वेंशन क्या है? डॉक्यूमेंट कन्वेंशन में अगर आपने कोई इस तरीके के वर्ड्स यूज किए हैं, डॉक्यूमेंट का साइज भी आप बता सकते हैं, और जो फुल फॉर्म, जैसे आपने एब्रीवेशन यूज किए, तो इन एब्रीवेशन का क्या मतलब है? आपके केस में UML होगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूज केस डायग्राम हो गई आपके पास, DFD डेटा फ्लो डायग्राम्स हो गई, OOAD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जो भी एब्रीवेशन आपने यूज किए वो भी आप बता सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के स्टाइलिंग फॉन्ट वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था वो भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद 1.3 में आपके पास क्या चीज आ गई? इंटेंडेड ऑडियंस एंड रीडिंग सजेशंस। ठीक है, ये कौन क्या क्या होगा आपके पास? कौन कौन होंगे? डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यूजर्स होंगे। देन आप प्रोजेक्ट का स्कोप बताएंगे, स्कोप में थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज, जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम की लिमिटेशंस, और उस चीज को कंप्लीट करते हो जो आप नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो कैसे हेल्प आउट करेगा, वो सारी चीजें स्कोप में आएंगी। ठीक है, रेफरेंसेस अगर आपने कोई देने हैं तो आप रेफरेंसेस भी दे सकते हैं कि कहां से आपने कंटेंट उठाया है। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या चीजें आ गई? प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में आपने प्रोडक्ट का ओवरव्यू दिया, और जो मैं आपको कह रही थी कि वर्किंग मॉडल जो होता है, ये देखिए ये मॉडल आ गया। डायनेमिक कॉमर्स कैटलिस्ट में आपका पास डेटाबेस है, वेब सर्वर है, यहाँ से डेटा वेब सर्वर से डेटाबेस पे स्टोर होगा, डेटाबेस से वेब सर्वर पे आएगा। देन यू हैव इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेस, जो आपका यूजर इंटरफेस होगा। पर्सनल कंप्यूटर से आपका यूजर कौन कौन यूज कर सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजर भी यूज कर सकता है, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी। आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इंटरनल इंटरफेसेस क्या क्या चाहिए होंगे? डेटाबेस क्या चाहिए होगा? डेटाबेस में आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस टू डेटा, अपडेट इन्फॉर्मेशन। फिर आपको वेब सर्वर चाहिए, वेब सर्वर में प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस, ऑथेंटिकेट यूजर्स होंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। एक्सटर्नल इंटरफेसेस में क्या क्या चीजें होंगी? पर्सनल, यानी कि इसी ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होंगे? पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क, सेलफोन एटसेट्रा। प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या होंगे? ये फीचर्स आ गए। यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो यूजर्स होंगे उनको एटलीस्ट वर्किंग ऑन वेबसाइट पे काम करना आता हो, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए इस टाइप की एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, और कौन कौन यूज करेगा। ऑपरेटिंग एनवायरमेंट क्या क्या होगा? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, आपका जो एप्लीकेशन होगी जिस प्लेटफॉर्म पे चल रही है, MVC आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्या क्या चीजें, वो सब आप लिस्ट डाउन करेंगे। डेटाबेस कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप लोग, अगर C# यूज कर रहे हैं तो यहाँ C# यूज होगा, विजुअल स्टूडियो का प्लेटफॉर्म होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब चीजें। अच्छा, मीटिंग आईडी एंड होने वाली है, जैसे ये मीटिंग एंड हो जाए इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा कनेक्ट करेंगे।